सरप्राइज दिया है एंड क्या पता कभी भी हो सकता है ऐसा वाला, है ना डॉक्टर? क्या पता यहीं पर हो जाए देहरादून में। कल हमारी दीदी का है हल्दी हाथ एंड उसके लिए हमारी मम्मी मम्मी यहाँ पर देखो फुल एकदम क्या क्या कर रहे, फेशियल फेशियल हो रहा है ताकि थोड़ा सा गोरा दिखे। क्या बर्गर खाओ? सुबह सुबह बर्गर कौन खाता है नानू? पहले तो गुड मॉर्निंग नहीं बोला, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कौन खाता है बर्गर सुबह सुबह? कल से मैं देख रहा हूँ ये लड़की रात को केक खा रही है, केक खा के पेट भर रही है। मैंने उसको बोला खाना खाया तो बोलती नहीं मन नहीं है। अच्छा पकौड़ी और केक नहीं खाया था? तो बोलती है मैंने केक ही नहीं खाया, मैंने पकौड़ी भी खाया। पकौड़ी भी अच्छे खाने की चीज है। रात को बड़ी हो गई है, शैतान हो गई है बहुत ज्यादा, मुझसे ज्यादा शैतान हो गई। और वो भी है कि मामा पे गई, मुझसे भी ज्यादा। मामा पे गई है, मामा पे। चलो भाई मस्त नींद कंप्लीट हो गई, रात को थक गए थे बट अभी पूरा प्रॉपर नींद कंप्लीट हो गया है। तो जैसे कि हर शादी में होता है जिसमें इतना ज्यादा मजा आता है वो है ये, जो मतलब फुल फैमिली के लिए बेड लगा होता है और उसमें फिर वो ये सब फैमिली मिलके सोते हैं। भाई साहब ये फीलिंग ही अलग ही मजा आता है। बाकी तो वही है कि आज का प्लान आई डोंट नो क्या है, कल क्योंकि हल्दी है सो इसलिए आज हमारे पास खाली दिन है, तो इसमें जितने भी मेरे काम जो आधे छूट गए हैं हल्दी और उसके लिए कपड़े लिए, उसके लिए मैं फुटवेयर लेना भूल गया हूँ सो मेरे को वो लेना है। बट उसी के पहले हमें ये जो जितने भी गद्दे हैं वो वापस रखने हैं। सो गाइस अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट जो है इस बार लगा है हमारे घर के बाहर ही, बट क्योंकि मतलब बहुत सारे हमारे रिलेटिव भी है तो फिर उनको मतलब किचन में जगह इतनी है नहीं, हमारे घर वालों ने आइडिया लगाया दैट बाहर लगाते हैं। हाँ फिर देखो सुबह सुबह ड्यू, हाँ ड्यू ड्यू ड्यू। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने लिए जो जूते मैंने जो आप लोगों को बताया था दैट मैं जितना आउटफिट लाया हूँ बट मैं वो फुटवेयर भूल गया हूँ, तो वो अभी जा रही है लेने के लिए। एंड बेचारी हमारी यहाँ पर दीदी जिसको अलाउड नहीं है शादी तक बाहर निकलने, वो बेचारी सो रही है यहाँ पर। जैसे कि बोलते हैं ना बच्चों के साथ साथ बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, यहाँ देखो प्योर एग्जाम्पल पति और पत्नी जी। आहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया घर बना रखा है पूरा ये मैट से, वेरी नाइस। कितने टाइम बाद देहरादून की ये स्ट्रीट जहाँ पर मतलब कपड़े लेता था मैं, एंड वही अभी भी ऑलरेडी दो कपड़े ले लिए बट वही है कि मेरे को जो फुटवेयर है वो नहीं मिल रहा, आधे घंटे से हम घूम रहे हैं बट नहीं मिल रहा है, स्टिल फाइंडिंग। पहले के टाइम पे जब यहाँ पर जितने भी कपड़े लटका करते थे भाई और मतलब उसमें डिजाइन बनाओ तो सारे कपड़े इतने कूल लगते थे फुल। भाई देहरादून में ठंडी है तो उसकी वजह से सेल लगे हुए यहाँ पर। भाई लेना नहीं है, लेना नहीं है, मैं दिखा रहा था लेना नहीं है, वहाँ से देख रहे गाइज। लाइफ में सब करना बट लड़कियों के साथ कभी भी शॉपिंग मत आना, सच्ची में बता रहा हूँ। वहाँ पर उनको भी चाहिए था, इनको भी चाहिए था और मेरे को भी चाहिए था, मैं ले नहीं पाया और भूख लग रही है, पहले खाने जाएंगे फिर उसके बाद आके लूंगा। सो गाइज अभी हम आए हैं, इतना स्ट्रीट शॉपिंग में इतना ढूंढा नहीं मिला, फिर खाया, फिर अभी हम घूम फिरा के अपने घर पे वापस आ गए। ये पैसिफिक मॉल अभी यहाँ पर ढूंढेंगे यहाँ पर मिलता है कि नहीं, अगर यहाँ पर भी नहीं मिला तो कल नंगे पैर ही चलना पड़ेगा मेरे को। मैंने ले भी लिया है एंड अभी 6:30 हो रहे हैं और देहरादून में देखो रात हो गई, ऐसा लग रहा है 10 बज गए हो बट यहाँ फट से निकलते हैं घर पे जाते, थक गए हैं बहुत, ठंड भी लग रही है। सो गाइस घर पे आ चुके हैं वापस एंड कल हमारी दीदी का है हल्दी हाथ एंड उसके लिए हमारी मम्मी मम्मी यहाँ पर देखो फुल एकदम क्या क्या कर रहे, फेशियल फेशियल हो रहा है ताकि थोड़ा सा गोरा दिखे। ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग एंड अभी मेरे को सोना पड़ेगा, अभी सब लोग पार्टी कर रहे हैं बिकॉज अभी तो उनका पार्टी चालू है, 11 बज चुके हैं बिकॉज कल सुबह मेरे को जल्दी उठना है, हल्दी आते हैं। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। सो आज का दिन मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज हमारी दीदी का हल्दी हाथ है, वाओ। अभी मामा लोग की बारी, गिराना मत बस तीनों पलट के गई चलो भाई अभी रूम में आना पड़ा बिकॉज बाहर इतने सारे लोग हैं, घर के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। सो वही है कि अभी दीदी गई है नहाने के लिए, हल्दी पूरा हो चुका है, अभी करेंगे इसके बाद आरती। Thank you.
ऑलराइट गाइस, आरती भी हो चुकी है, सब कुछ यहाँ पर देख रहे हो आप, हल्दी आदि भी हो चुका है, आरती उस साइड हो रही थी वो भी हो चुका है, हमारे जो दादाजी हैं उनका भी हो चुका है, हो गया सब कुछ, पी लिया, गटक लिया, चढ़ गई, इंजॉय किया आपने, नहीं किया इंजॉय, क्या बात कर रहे हो, ऐसे कर दो अब कैमरे के लिए, ऐसे कर दो, अच्छा लगा ऐसे बोल दो, इंजॉय नहीं किया बट ऐसा कैमरे के लिए बोल दो, ऐसे कर दिया। ब्लॉग में भी अच्छा। बताता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, एकदम ऐसा प्राउड वाली फीलिंग है, हमारी जो भारती दीदी है ऑब्वियसली वापस से माँ बनने वाली हैं, मैं वापस से मामा बनने वाला हूँ, एंड इनका ये नाइन्थ मंथ चल रहा है, एंड ये चंडीगढ़ में थी तो चंडीगढ़ से मतलब वर्षा दीदी को बताया नहीं, इन्होंने बताया कि दैट मैं नहीं आ रही करके, वर्षा दीदी भी सैड हो गई थी, बट फिर उसके बाद डायरेक्टली एकदम से सरप्राइज दिया है, एंड क्या पता कभी भी हो सकता है ऐसा वाला, है ना डॉक्टर, क्या पता यहीं पर हो जाए देहरादून में, हाँ, और हमने और पापा ने भी बोल दिया कि इनके लिए यहाँ पर हॉस्पिटल भी हमने ढूंढ लिया, अगर इमरजेंसी में कुछ अगर ऐसा हुआ तो फिर वहीं पर लेके जाएंगे, बट ये बहुत बड़ी बात है यार चंडीगढ़ से आना इतने ऐसे रिस्की टाइम पे, बट वही है कि यार थैंक यू, बरसात ही बोलेगी थैंक यू तो, बट कोई नहीं, हमें होगी वो सो गई, उसको बाहर जाना मना है ना इसलिए। ओके सो गाइज, फंक्शन वगैरह जितना भी था सब खत्म हो चुका है, बहुत अच्छे से मनाया, अभी बज रहे हैं सुबह के 4 भी नहीं 5 बज रहे, एंड 5:30 बजे योगेश जो है देहरादून लैंड कर रहा है और उसे लेने जा रहे हैं हम स्टेशन पे, एंड उसकी वजह से मेरे को अपनी नींद तोड़ के आनी पड़ रही है। भाई साहब भाई साहब, मेरा भाई आ गया, ठंड लग रही है भाई बहुत जोर से भाई, हलक में आ गई ठंड, यहाँ की बहुत तेज ठंड है, आ जा भाई अंदर बैठ जा हीटर पे, चलो भाई घर ले लो बहुत ठंड है। सो भाई, ये भाई ने मेरे को सोने नहीं दिया, मैंने बोला कि चलो इसको घर पर छोड़ के इसको खाना वाना खिला के, तो फिर मैंने बोला कि चल अब सो जाएंगे, अब इसको तो नींद आ नहीं रही है, अब ये बोलता कि भाई अब तू भी क्या ही सोएगा, इसको नींद नहीं आई तो फिर मैं सोने वाला था, इसने बोला कि भाई सुबह हो गई है 7 बज गए अब क्या ही सोएगा तू, दीदी की शादी है आज, भैया की रेड बुल पी के करना पड़ेगा सब कुछ, तो फिर मैंने बोला चलो भाई देहरादून आया पहले दिन इसको घुमा लेते थोड़ा सा। गाइज, मैं योगेश को ये चीज दिखाने आया था, ये जो आप प्यारा सा सनसेट देख रहे हो सुबह 8 बजे का, और बट ये कर क्या रहा है यहाँ पर देखो, सुसु कर रहा है यार मेरा जो इसने जो मूड खराब किया है सुबह 8 बजे, इसके लिए मैं सोया भी नहीं, सिर्फ 3 घंटे की नींद की इसको लेने गया, बस वेरी गुड। चलो भाई सनसेट भी देख लिया, अभी योगेश बोल रहा है चाय पीनी है, मैं चाय पर्सन हूँ नहीं, कॉफी पर्सन हूँ या, बट इसने बोला कि चाय पी लेते थे ठंड में, तो फिर मैंने बोला ठीक है, नाक से ऐसे चलाते टाइम ऐसा नाक से जो पानी बह रहा है भाई, अब बता तेरे को कैसा फील हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है तेरी कसम, मैं पहली बार सेकंड टाइम आ रहा हूँ, अभी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि पहले तू नहीं था, मुंबई में था, मजा आएगा भाई, जहाँ जहाँ दोनों भाई मिलते हैं वहाँ आग लगती है भाई, आग लगती है भाई दो चाय दे दो बढ़िया भाई, यही कप में तो भाई पीने का मजा है, चाय वेरी नाइस, अच्छा भाई चीयर्स कर ले